हाय गाइस आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा चिकन पास्ता की रेसिपी इसको बनाने के लिए गाइस मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर डेढ़ सौ ग्राम 150 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है जिसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं मिला दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ज़्यादा नहीं मिलाएँगे क्योंकि हमने पास्ता उबाल टाइम भी नमक उसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा गला लेंगे और भून भी लेंगे देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है इसी तरह से इसे भी हमें बनने देना है चलिए अब थोड़े से मसाले मिला लेते हैं इसके अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सा औरगैनो डाल दिया है और इसे हम दोबारा मिक्स करेंगे और करीब दो से तीन मिनट तक इसी तरह से बनने देंगे इस तरह हम बनाएंगे तो हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा और बढ़िया तरीके से भून भी जाएगा देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है चिकन हमारा अब तैयार है लगभग देखिए ये सेवेंटी से एट्टी परसेंट तक गल गया है अब हम इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे और कढ़ाई का रीयूज़ करेंगे हमने वही कढ़ाई ले ली है इसके अंदर हमने एक प्याज डाल दी है छोटी प्याज के देखिए जो पीसेस करे हैं मैंने ये बड़े बड़े करे हैं जिसे डायमंड कट भी कहलाती है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक शिमला मिर्च इसके भी मैंने छोटे पीसेस करे हैं हमें इन्हें बहुत देर नहीं पकाना है बस थोड़ा सा ही पकाना है इनका हम क्रंच जो है वो ख़राब नहीं होने देंगे इन्हें हमें क्रंची रखना है लास्ट तक अब गए हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटो मैंने यहाँ दो टमाटो लिए थे जिसके टुकड़े काट लिए हैं इसका जो बीज वाला पार्ट था वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया है तो टमेटो उसका मैंने बिना बीज वाला पोर्शन लिया है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है तो हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए था अब गए हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है थोड़ा सा हम इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे ज़्यादा हम इसके अंदर ग्रीन चिली नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये डिश हमें बच्चों को ध्यान में रखकर बनानी है ताकि बड़े और बच्चे दोनों ही इसे आराम से खा लें अब गाय हम इसके अंदर शामिल करेंगे म्योनीस मैंने यहाँ थोड़ी सी म्योनीस ली है करीब दो छोटे चम्मच होगी और लो फ्लेम करने के बाद इसे भी हम मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे फ्लेम का ध्यान रखिएगा अब हमें यहाँ पे हाई नहीं करनी है वरना हमारी म्यूनिस जल जाएगी और एक बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम बिल्कुल लो करने के बाद ही हमें इसे अब तैयार करना है सारी चीज़ों पे यानी कि सारे वेजिटेबल्स पे ये सही से लग जाए अब गाय हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसके बाद इसके अंदर ज़रा सा हम गर्म मसाला भी डाल देंगे इसके अलावा हम कोई और मसाला यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि लाल मिर्च है हल्दी है क्योंकि हमें इसे बच्चों के लिए बनानी है और वैसे भी पास्ता में कोई पीली मिर्च का ख़ास यूज़ होता नहीं है और सिर्फ कलर ही चेंज होता है उससे और ये हमारे पास्ता आ गए ये 200 हंड्रेड ग्राम्स पास्ता थे जिसे मैंने पानी में उबाल लिया है उसके बाद धो लिया था और हमने उबालते टाइम थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था इसमें ताकि ये आपस में स्टिकी नहीं हो जाए और इसे अब हम मिला लेंगे इन सारी चीज़ों के साथ देखिए इसका कलर चेंज हो गया यानी कि ये सही तरीके से मसाले के साथ मिल गया है अब थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि पास्ता उबाल दे टाइम भी डाला था और चिकन में भी डाला था अब गाइस हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो दोनों ही डाल देंगे और अब दोबारा से हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे देखिए इस तरह से बहुत ही ईजी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है इसे सभी खा सकते हैं बहुत आराम से देखिए अभी तैयार है लगभग अब हमें गाइस इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन जो चिकन हमने तैयार किया हुआ था वो चिकन भी हम डाल देते हैं चिकन देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर बहुत अच्छा आया है ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करा है वरना ये डार्क हो जाता तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी, भी बिल्कुल पसंद नहीं आता तो फाइनली गाइस देखिए हमारा चिकन पास्ता तैयार है बिल्कुल देखने में कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर मसाला नहीं है एक्स्ट्रा खाने बहुत जूसी और टेस्टी होगा तो आप भी एक बार ट्राई करें पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें और रेसिपी देखने के लिए जो आपने अपना वक्त निकाला गाइस उसके लिए आपका शुक्रिया